सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी विद टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हर तरह के वीडियो के लिए। हेलो गाइस, मैं गोपाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी विद टेक में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पबजी मोबाइल से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार ट्रिक या फिर एक इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इसे कहें, आप सभी के लिए। अगर आप पबजी मोबाइल गेम के प्लेयर हैं तो आपको वहाँ पे एक मोड के बारे में पता होगा जिसका नाम है स्पेक्टेटर। इस मोड के अंदर आप किसी भी प्लेयर को खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन इस मोड को अगर आप डिसेबल करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे, यही मैं इस ट्रिक में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि PUBG मोबाइल एक बैटल रॉयल गेम है और ये काफ़ी शानदार और काफ़ी फेमस गेम है। आप लोगों को पता है कि इस गेम के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं और हर अपडेट्स के साथ में बहुत सारे नए फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक अपडेट के अंदर एक नया फीचर दिया था जो कि है स्पेक्टेटर मोड। स्पेक्टेटर मोड के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे स्पेक्टेटर मोड के बारे में भी बता देता हूँ कि स्पेक्टेटर मोड के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं जो भी आपके टीममेट्स हैं या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके गेम प्ले को देखने के लिए। मान लीजिए कि आप अपनी लॉबी के अंदर हैं और वहाँ पे अगर किसी प्लेयर का, जो भी प्लेयर ऑनलाइन है, तो उसका गेम प्ले देखना चाहते हैं, उसकी ट्रिक्स जानना चाहते हैं, कैसे वो गेम खेलता है, तो उसके साथ में आपको जब वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के ऑप्शन में वहाँ पे ऑनलाइन जो भी ऑप्शंस आप देखते हैं, तो उसके साथ में हर फ्रेंड के साथ में वहाँ पे एक प्ले का बटन आता है। उस प्ले के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे उसका गेम प्ले देखने को मिल जाता है। वो अभी कौन से मैप के अंदर गेम खेल रहा है, कैसे वो गेम खेल रहा है, किस तरीके से वो ट्रिक्स को यूज़ कर रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन ये कई लोगों के, कई प्लेयर्स के एक मतलब जो प्राइवेसी होती है उसको ब्रेक करता है ये फीचर। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्लेयर है, वो एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक के थ्रू या फिर कुछ अलग तरीके से वो किसी पे अटैक करता है, तो कोई भी दूसरा प्लेयर उसकी जो ट्रिक है उसको देख के वो जान जाता है कि वो कैसे उस ट्रिक को यूज़ करता है। तो यहाँ पर अगर इस मोड की वजह से कई लोगों की प्राइवेसी को ब्रेक किया जा रहा है इस गेम के अंदर, तो यहाँ पे आप इस स्पेक्टेटर मोड को आप डिसेबल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में अगर आपका कोई फ्रेंड है और आप अगर गेम प्ले कर रहे हैं तो आपका फ्रेंड आपके गेम प्ले को नहीं देख पाएगा, उसको ये ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने PUBG मोबाइल की लॉबी के अंदर जाना है। लॉबी के अंदर जाने के बाद में आपको वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखता है। सेटिंग के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बेसिक जो फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो आपको दिखेगा। तो बेसिक पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक किया हुआ होता है, तो बेसिक के अंदर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे पेज को, तो आपको वहाँ पे स्पेक्टेटर मोड वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसमें इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, तो आपको वहाँ पे इसको डिसेबल कर देना है। बस आप जैसे ही डिसेबल करेंगे तो उसके बाद से आपका गेम प्ले कोई भी दूसरा प्लेयर नहीं देख पाएगा। मतलब आपका अगर कोई फ्रेंड है या फिर आपका टीममेट है, आपके टीममेट के अलावा कोई नहीं देख पाएगा। आपके टीममेट तो देख ही पाएंगे, लेकिन आपके टीममेट के अलावा अगर कोई और फ्रेंड ऑनलाइन है और वो आपका गेम प्ले देखना चाहता है तो वो नहीं देख पाएगा। तो गाइज, ये थी आज की एक इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी ट्रिक। वीडियो काफ़ी शॉर्ट है मुझे पता है, लेकिन इस ट्रिक की बहुत ही ज़्यादा नीड है बहुत से प्लेयर्स को, तो मैंने सोचा जल्दी से इस पर एक वीडियो बना दूँ, तो इसीलिए ये छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे पबजी लवर्स, जो भी गेम लवर्स हैं आपके फ्रेंड्स, उनके साथ में, ताकि वो भी इस ट्रिक को यूज़ कर पाएँ और अपने गेम प्ले को अगर वो हाइड करना चाहते हैं, उनकी प्राइवेसी को वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो इस ट्रिक को यूज़ करके इस स्पेक्टेटर मोड को डिसेबल कर पाए। तो गाइज़, अगर आपको इस ट्रिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ में अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। With the